कुमार गंधर्व जन्मशती को लेकर कुमार गंधर्व प्रतिष्ठान द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 19 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम माता टेकरी के रपट मार्ग पर स्थित भानुकुल परिसर में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम 2 सत्र में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में 19 जनवरी की शाम को कार्य का शुभारंभ होगा, जिसमें गायन, बांसुरी, वायलिन, जुगलबंदी, मालवी निर्गुण, भजन का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 20 और 21 जनवरी को भी गायन चर्चा बातचीत का आयोजन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 और शाम 5:30 से 9 बजे तक किया जाएगा। कार्यक्रम में देश विदेश के गायक उपस्थित रहेंगे, जो अपनी अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे। देवास में 19, 20 और 21 जनवरी को 3 दिन का 5 सत्रों का कार्यक्रम पंडित कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी के सिलसिले में आयोजित हो रहा है कुमार गंधर्व प्रतिष्ठान के द्वारा। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है 19 की शाम 5:30 बजे ठीक शुरू होगा पहली सभा। दूसरी सभा 20 तारीख को सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी और 20 तारीख को ही शाम को तीसरी सभा 5:30 से रात को 9 बजे तक होगी। 21 तारीख की सुबह उसी तरह से 9:30 से 1 और शाम को 5:30 से रात को 9 बजे तक चौथी और पाँचवीं सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश से आने वाले मूर्धन्य कलाकार, युवा कलाकार अपनी उम्दा प्रस्तुति आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। देश विदेश से करीब 250 से ऊपर संगीत रसिक इस कार्यक्रम को सुनने के लिए जुड़ने वाले हैं। देवास के लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है और कहना है कि ज़रूर समय पर पधारें। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।